पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 2019 का लोकसभा चुनाव आने से पहले ही मुरादाबाद मंडल में समाजवादी पार्टी में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है, जिसका प्रमाण सुबह उस वक्त सामने आया जब शहर के मुख्य चौराहों पर लगे पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के पोस्टरों पर अज्ञात लोगों द्वारा कालिख पोत दी गई। मुरादाबाद मंडल में इन दिनों समाजवादी पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। अभी दो दिन पूर्व जिगर मंच पर सपा युवा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम बतौर मुख्य अतिथि थे। इस सम्मेलन में बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम ने खासी नाराजगी भी सार्वजनिक मंच से दिखाई थी। सुबह मुरादाबाद के मुख्य चौराहों पर लगे सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के पोस्टरों पर अज्ञात लोगों द्वारा कालिख पोत दी गई। पोस्टरों पर कालिख के माध्यम से सपा की अंदरूनी कलह खुलकर सड़क पर आ पहुंची है। इस मामले में जब सपा विधायक मोहम्मद फहीम से बात की गई तो उन्होंने कहा कि ये सब भाजपा की चाल है और वो आपस में लड़ाना चाहती है, यदि ऐसा है तो मामले की जांच कराई जाएगी। तो वहीं सपा के पूर्व विधायक का कहना है कि ये भाजपा की चाल है, आपस में भाजपा लड़ाना चाह रही है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की साजिश भी हो सकती है ये, और कमाल अख्तर साहब का विरोध क्यों कोई क्यों करेगा? क्या कोई ऐसी बात आपके सुनने में आई है कि कमाल अख्तर साहब का विरोध होना चाहिए? किस वजह से कमाल अख्तर साहब का विरोध हो रहा है? मैंने आपसे फिर कहा, कालिख कोई क्यों पोतेगा किसी के चेहरे पर या किसी के फोटो पर? भाई, अगर कालिख पोतने की बात आप कह रहे हैं तो मैं इसकी जांच कराऊंगा। अगर कोई मेरे से कार्यकर्ता ने अभी तक किसी ने शिकायत नहीं की है, मैं एक विधायक की हैसियत से उसकी जांच कराऊंगा। अगर कोई कालिख पोतने का कोई साक्ष्य आपके पास हो तो मुझे आप दीजिएगा, मैं अपना लेटर पैड लगाकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक, आजम खान सर तक पहुँचाऊंगा कि ऐसे किसी कद्दावर नेता के खिलाफ कोई कालिख कैसे पोत सकता है। भाई, मेरी जानकारी में ये नहीं है, सारी जगह मेरे ख्याल से होर्डिंग लगे हैं तो मैंने तो देखा नहीं अभी। अब आप लोग बता रहे हैं, ये माहौल पैदा किया जा रहा, क्या मानिक सही है या गलत? ये इसमें बीजेपी का भी हाथ हो सकता है, नहीं क्योंकि वो लड़ाना चाहती है बीजेपी यहाँ, और अंदरूनी दो हमारी पार्टी में फाड़ कराना चाहती है कि ये लड़ जाए आपस में तो हमारा आदमी मजबूत होकर लड़ जाए। नहीं, वो सपा कार्यकर्ता तो पहले भी ऐसे कहते रहे हैं, लेकिन जिसको टिकट मिल जाएगा मैं समझता हूं सभी लोग उसी को लड़ाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वहीं जब इस मामले पर भाजपाइयों से बात की गई तो मुरादाबाद सांसद का कहना है कि ये अशोभनीय है, जिसने भी ये हरकत की है वो गलत है। तो वहीं आरोपों के सवाल पर बोले कि सपाइयों को भाजपा के अलावा कोई और दिखता ही नहीं, इसीलिए भाजपा पर आरोप लगाए जा रहे हैं। झगड़ा तो सपाइयों में आपस में चल रहा है और घसीट भाजपा को रहे हैं। वहीं भाजपा नेता दिनेश ठाकुर का कहना है कि भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है और ऐसी हरकत भाजपाई नहीं करते, ये आपसी झगड़ा है जिसकी वजह से ये सब हुआ। देखिए, गलत प्रथा डाली लोगों ने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हिंदुस्तान है, स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को टिकट मांगने का अधिकार है, हर व्यक्ति को लड़ने का अधिकार है। ये भी वो स्वतंत्र है कि पार्टी से टिकट मिले या ना मिले, नजरिए भी खड़ा हो सकता है, किसी पार्टी से खड़ा हो सकता है। अच्छा, जैसे कि ये स्वतंत्र देश, हर आदमी स्वतंत्र है, हर एक को अधिकार है। समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का कहना है कि बीजेपी ने करवाया है और ये सिर्फ लड़ाना चाहती है, इसलिए ये गलत। बीजेपी में तो हर इंसान को आरोप लगाना, हर पार्टी को आरोप लगाना। मैं पूछना बात चाहता हूँ, जो अच्छा काम हो रहा वो तो समाजवादी या बीएसपी कर रही है, और जो जरा भी कोई बात होती है तो बीजेपी कर रही है। अब ये बताओ, इनमें आपस में ही भी बात है। अभी मैंने 4 या 5 दिन पहले पढ़ा था पेपर में कि आजम साहब ने स्पष्ट कह दिया, हर व्यक्ति सुधार कर ले, बाहर का व्यक्ति कोई नहीं आने का, ये आजम साहब का ही बयान था, और इकराम कुरैशी साहब को भी इस बारे में उन्होंने टाइट किया था। आरोप बीजेपी में लगाने, ये आपसी फूट है, आपसी लड़ाई है। हमारा एक्शन कर उनकी पार्टी का मामला है, तो कभी जीवन में सांप और नौले एक साथ नहीं बैठ सकते। ये बहुजन समाज पार्टी, समाज पार्टी का खेल दोनों का है, सपा का आपस में, और भाजपा के लोग ऐसे अनैतिक कार्य नहीं करते हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि काली पोतने का काम भाजपाइयों की चाल है, कोई मतलब ही नहीं। भाजपा के लोग अनैतिक कार्य नहीं करते हैं, ये तो सांप और नौले का खेल है। समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों आपस में करते रहते हैं, एक में काली भूते रहते होंगे। बाकी तो उनके अध्यक्ष और विधायक सबके अखबार पढ़ रहा हूँ डेली, आपस में बहुत खींचा था। नहीं, ये लोग कर रहे होंगे ऐसा काम,
भाजपा से कोई लेन देन नहीं है।